एक मिनट थाम रे, बस तेरी बात सो स्वीट। चलो भाई आप तो लंबे ना, कहीं से भी आ जाएंगे। अच्छा ये लड़की सबका पकड़ रही है ना, ये सो स्वीट, ये सबके माइक पकड़ रही है। बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। आप सबका भी आपको देखा है स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए, दूसरे जजेस आपको जज करते थे, इस बार आपको दूसरों को जज करेंगी, तो हाउ इज इट्स एक्सपीरियंस? दो एपिसोड भी शूट हो चुके हैं और बिल्कुल नॉस्टैल्जिक है ना, क्योंकि हाँ मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि रेमो सर का भी डांस प्लस शुरू हुआ है, तो उन्होंने कहा एक लेवल अप, तो एक लेवल अप एंड वालों ने सुन लिया, कहते एक लेवल अप करते हैं, तो भारती को जज बना दिया। और ऐसा नहीं है कि सब नए लोग परफॉर्म कर रहे हैं स्टैंड अप में, इतने बड़े बड़े लोग हैं, कुछ इंटरनेट के बादशाह हैं, कुछ टीवी के बादशाह हैं, तो सब सामने परफॉर्म कर रहे हैं, और बहुत सोच समझ के उनके लिए बोलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और हाँ मनन देसाई ऐसे कर रहे हैं, तो मनन देसाई सबसे बड़े सुपरस्टार, ठीक है भाई बोल दिया, तो एक से बढ़कर एक लोग हैं। और मुझे डर भी लगता है कि मैं क्या बोलूँ उनके बारे में, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी होगी, देखिए जी आपने वहाँ पे हंसी नहीं आई थी, ऐसा कुछ नहीं, हम बहुत मस्ती करते हैं और बहुत अच्छा अच्छा बोलते हैं सबके लिए, ताकि जितना बूस्ट हो उतना वो अच्छा करें, क्योंकि मुझे पता है मैं परफॉर्म कर चुकी हूँ स्टेज पर, और ऐसा नहीं है कि भाई मैं सिर्फ वहाँ पर बैठ के स्माइल दूँगी या पॉइंट्स दूँगी, मैं खुद परफॉर्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो मैं इस शो में जज भी हूँ, एंकर भी हूँ, क्योंकि हम अपनी अपनी टीमों को बुलाते हैं, और मैं परफॉर्म भी कर रही हूँ और परफॉर्मर भी हूँ। और होप सो कि आपको वैसे तो कभी ग्रुप में आपने देखा परफॉर्म करते हुए किसी के साथ एक्ट में या कुछ, पहली बार एन टी वी पे कॉमेडी दंगल पे आप मुझे स्टैंड अप करते देखेंगे। डर भी बहुत लगता है कि इधर वाले बोली ना दें, अरे इधर खुद तो इससे हो नहीं रहा, हमको क्या नंबर देगी, तो मुझे खुद मेहनत बहुत करनी पड़ती है, और बस गले की वाट लगी, आपने देखा ही है, थैंक गॉड मैं कोई सिंगिंग वाली नहीं हूँ, वरना निकाल देते मुझे। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि दूसरी टीम में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अनीता हसनंदानी, पूजा, फिर अपनी सुंदर सी लड़की क्या नाम है, टंडन, लवीना टंडन, राजेश जी हैं, मुबीन जी हैं, वीआईपी जी हैं, जी जी देखो कितने जी हैं, और भारती जी उधर हैं, बस ओके। अनु मल्लिक जी हैं और वो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ हो जाती है जज करना, एक सिंगिंग फील्ड से आके वरना वो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा वो सब तो समझ में आता है, लेकिन नहीं वो कैसे समझ में आता है, नहीं भाई सीरियस नोट पे एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, अनु जी जज किया है, वो भी स्टंट वाला शो है तो वो कोई स्टंट मैन नहीं थे, बट अनु जी जैसे मेरा एक पंच भी था कि अनु जी बाकी शोज में भी कॉमेडी करते हैं, इस बार बता के कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, खैर इतने स्पॉन्टेनियस हैं, हम लोग टीवी पे देखते थे तो हमको लगता था इसी गाने फटाफट लिख के बोले होंगे बना देते, यहाँ पर आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसी ने उनको वर्ड दिया तुरंत उस पर गाना बना दिया, जो हम पे हमें भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बट वो वाकई म्यूज़िक डायरेक्टर के सुपरस्टार है, उनके साथ इतना फन होता है बैठ के, इतनी मस्ती करते हैं, अरे भारती तू मेरा कहना क्यों नहीं मानती, तू उधर क्यों नहीं जानती, ये खानती भानती शांति, इतनी राइम बना देते हैं, और कोई और होता शायद मैं बोर हो जाती, लेकिन अनु मलिक जी हैं तो इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा कि हंस हंस के मुँह और सर दुखने लग जाता है। दो अलग टीमें हैं, किस तरह का ये दंगल होने वाला है? मतलब ऐसे तलवारें लेकर आएंगे, बाल खींचेंगे एक दूसरे के, ऐसा कोई दंगल नहीं है, और ना ही कोई किसी ने लंगोट पहना होगा, क्योंकि बीच में लड़कियाँ भी तो अच्छा नहीं लगता, और कोई रेत नहीं होगी, ना ही कोई तबेले का गोबर होगा, कॉमेडी का दंगल है, ठहाकों का दंगल है, बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भी कॉमेडी शो चलते सब चलने चाहिए, क्योंकि आजकल की लाइफ में और जो इतना कुछ हो रहा है, इतना स्ट्रेस है, तो जितने भी कॉमेडी शो हों उतने ही कम है, और एक ये एन टी वी का पहला कॉमेडी शो है नॉन फिक्शन, तो हमें बहुत उम्मीदें हैं कि ये होगा, और आप सबकी दुआएँ हैं कि आप सब देखते रहिए और बस अच्छी अच्छी चीज़ें लिखिए, ये मत लिखना कि भारती के गाउन का कट बहुत ज़्यादा था, ज़्यादा टांग दिख रही थी, ये बहुत एक दूसरे की जाएगी, मतलब मस्ती है, फुल धमाल है, बस आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए।
डिप्रेशन? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूँगी कपिल जी किसी डिप्रेशन का शिकार नहीं है, मैं पिछले 12 एपिसोड से उनके साथ हूँ। और हाँ, थोड़ी तबीयत उनकी ख़राब है क्योंकि वो अपनी फिल्म शूट कर रहे थे फिरंगी, तो बैक टू बैक था कि फुल रात उधर करते थे शूट, फिर दिन में आके ये करते थे। कोई भी एक बंदा अगर 40 दिन ये लगातार करेगा तो किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है, मेरी भी। मैं 4 दिन से शूट कर रही हूँ, मेरा गला बोलते बोलते बंद हो जाता है। कपिल भाई एकदम ठीक है, मैं 10-12 एपिसोड कर चुकी हूँ उनके साथ, और क्योंकि ये सेम स्लॉट पर है 9 बजे, वो भी 9 बजे, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। होप्सो कि ये ख़त्म होने के बाद वहाँ जाऊँ, और होप्सो कि ये ख़त्म ना हो और बढ़ता जाए, अगला सीज़न तुरंत आ जाए, ये करती रहूँ। जो भी होगा अच्छा ही होगा। और बस खाना लग गया है, आप जाइए प्लेटें पकड़िए और राजमा चावल डालिए। थैंक यू। वायरल चैनल, वायरल नई चीज़ होने जा रही है, और ये फिक्स नहीं है कि मैं इनके साथ ही काम करूँगा। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, चेंज होते रहेंगे। हमारे ग्रुप में इतने लोग हैं कि कभी मैं इनके साथ, कभी इनके साथ, तो मुझे भी सीखने मिलेगा काफ़ी कि हर लोगों का सुर अलग होता है, हर लोगों के साथ तालमेल अलग होता है। तो अच्छा हुआ मैं गैग में हूँ, स्टैंड अप तो मैं कहता हूँ, लेकिन स्टैंड अप में गैग में हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। और आप लोग देखिएगा जरूर शो, बहुत धमाल है, मज़ा आएगा, मस्ती करेंगे। और सर, जैसे कि आपकी आवाज़ काफ़ी है, आप लोगों की अमिताभ जी की हो, तो एक मिमिक्री हो जाए तो बहुत। बिल्कुल, मिमिक्री से मेरा नाम हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया, वर्ल्ड फर्स्ट हिट में मेरा नाम आया, तो डेफिनेटली आपकी फरमाइश भी दूंगा। मैं ऐसी बहुत कहना चाहता हूँ, माँ का संग, माँ का, बाप का, दादा का, सबका बदला लगा फैजल, मन मन करेगा उसके बारे में।